आने वाली है तो हम सभी भाई देखो यहाँ पर लग रहे हैं मंदिर का अंदर हमारे बालाजी सरकार। तो इधर देखो गाइस हमारे मंदिर के पीछे जो कचरा वगैरह है उसको भी हम उठा रहे हैं हमारे मंदिर का डेकोरेशन। अब इसमें नीचे उतरेंगे, इसकी थोड़ी आसपास की दीवारों की सफाई करेंगे। दोस्तों देखो इनको, देखो कैसे भाई। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर व्लॉग। तो अभी दिवाली आने वाली है तो हम सभी भाई देखो यहाँ पर लग रहे हैं मंदिर का अंदर, बजरंगबली की सेवा में मंदिर साफ कर रहे हैं पूरा। और आज हमारी पानी की टंकी है वो भी साफ करेंगे, वो भी दिखाएंगे। ये देखो भाई कितने भाई हमारे लग चुके हैं सारे। और इधर देखो, जय श्री राम। और इधर देखो हमारी बालाजी महाराज। ये देखो पानी की टंकी भी करनी है सर भाई, पानी की टंकी है जो वो हमारे पानी पीने की वो भी साफ करनी है। तो देखो ये देखो बिल्कुल चकाचक करेंगे आज मंदिर को पूरा। तो देखते जाइए ब्लॉग को पूरा और स्किप ना करें ब्लॉग को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बालाजी के नाम। ये देखो सभी भाई लग रहे हैं, जरूरी है ये हमारा मंदिर, हमारे बालाजी सरकार। तो इधर देखो गाइस हमारे मंदिर के पीछे जो कचरा वगैरह है उसको भी हम उठा रहे हैं साथ के साथ। यहाँ पर देखो दो बच्चे लग रखे हैं, एक ये हमारी कुशी ये भी लग रखी है यहाँ पर। तो अभी हम आए हैं पानी की टंकी लेने, यहाँ से देखो पानी की टंकी। आज इस वाली टंकी की मैं बात कर रहा था आपको कि इसको साफ करेंगे बिल्कुल, बहुत दिन हो चुके हैं इसमें क्या बता क्या क्या है। तो अब इसका ये भी दिखाएंगे आपको। अभी अब चलते हैं ये टंकी लेके। गाइस फाइनली हमने यहाँ पर टंकी रख दी है और बाहर से देख सकते हो हमें हमारे मंदिर का डेकोरेशन हो चुका है दीपावली का। तो एक बार देखो जब रात को देखेंगे ना भाई बहुत ही प्यारा लगेगा हमारा मंदिर। और भाई ऊपर जो छत पे कचरा वगैरह था वो भी हमने उतार दिया सारा कचरा, पूरा कचरा जो भी था अंदर। देखो सारे हमारे भाई लोग लग गए हैं इधर देखो। तो गाइस हम देखो भाई लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए इनके लिए चाय लेके आया हूँ घर से। लो भाई ओ चाय पी लो। और हमारे अनिल भाई तो चाय पीते नहीं है, ये देखो ये चाय भी नहीं पीता है, ये दो चाय पीता है। लो भाई चाय पी लो। लो भाई डोली की चाय। ये डोली की चाय आ चुकी है इनके लिए स्पेशल। और वो चाय नहीं पीता है बिल्कुल भी। गाइस ये है हमारे संदीप डोन। तो गाइस हमारे भाई लोग जो किधर गए, भाई लोग किधर गए, सांप आ गया भाई, सांप आ गया। अरे भाई किधर है सांप? तो गाइस वहाँ पर सांप आ चुका है तो हम सांप को देखने चल रहे हैं, कल भी आया था और आज भी हो। तो चलते हैं फटाफट से सांप को देखने के लिए। किधर है किधर है? गाइस छोटा सा सांप था तो उसे मार दिया गया है। और देखो यहाँ से देखो टंकी का पानी यहाँ से निकल रहा है, बताना छोड़ के। देखो ये टंकी का पानी यहाँ से निकल रहा है और पीछे की जो हमने सफाई करी है हमारी इस गुड़िया ने, इसने खुशी ने सफाई की है पीछे की। वाह बहुत प्यारी सफाई की है, इधर देखो बहुत ही प्यारी सफाई की है इसने। देखो यहाँ पर पहले मैं देखा के गया आपको कैसा था और ऊपर से भी साफ कर दिया इसने, बहुत ही प्यारा किया वो, बहुत अच्छा। तूने भी किया क्या यहाँ से? आगे से किया क्या? चल इसने आगे से किया, यहाँ से किया क्या तूने? ये इसने किया था सर पीछे से, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस फाइनली हम टंकी के ऊपर आ चुके हैं और इधर देखना भाई पानी कितना रह गया है इसमें। ये देखो ये टंकी, इसमें देखो ये पानी की टंकी हमारी। और भाई यहाँ पर निवेश भाई पहले साफ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे वो कंसड़ा नहीं होता है यहाँ पे घुस गया था यहाँ पे। और ये देखो पानी की टंकी हमारी, थोड़ा सा पानी रह गया। ये देखो भाई नीचे से ऐसा पानी खाली हो रहा है पूरा, चेक करो। और इधर की सफाई देख लो एक बार बिल्कुल, ये जितना भी कचरा था यहाँ पर बाहर निकाल दिया। इसको भी देखते हैं कि इधर सेटलमेंट करते हैं इसका भी, इसको भी किधर नाचते हैं अभी भाई। बहुत ही बढ़िया। और ये हमारा बालाजी का खेजड़ा कहते हैं हम इसे, बालाजी का। वेरी नाइस दिनेश भाई। कहाँ है ये देखो कंसड़ा हुआ है वापी है। तो दिनेश भाई इसको कहाँ रखेंगे वापस, इसे कहाँ डालेंगे इस कचरे को? तुम ले जाना, ले जाऊंगा। देखते अभी क्या करते हैं।
इसे देखो भाई क्या क्या कर रहा है भाई। मंदिर तो साफ हो चुका है हमारा वैसे, और अभी इस टंकी की बारी है भाई। हमारे दोनों भाई लोग चिप रखे हैं नीचे, फुल दबा के फुल सफाई अभियान चला रखा है। और ये भाई हमारा नील वगैरह साफ कर रहा है, ये भाई नील वगैरह जम गई थी टंकी के आसपास पूरे में यहाँ पे। तो गाइस हमारी टंकी जो नीचे उतरने लाइक खाली हो चुकी है, एक बार देखो। अब इसमें नीचे उतरेंगे, इसकी थोड़ी आसपास की दीवारों की सफाई करेंगे। इसके नीचे उतरने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसे हमें, तो वो वाला लकड़ा है जो दोनों जने जाओ वो वाला लकड़ा लेके आओ। गिर जाना मत, आराम से लेके आना। तो भाई वो वाला लकड़ा इस पे रखेंगे, इस पे बांधेंगे रस्सी और ऐसे जाएंगे नीचे, है ना भाई। हाँ ये वाला लकड़ा लेके आओ दोनों भाई, इसके द्वारा नीचे जाएंगे। ऐसे कूद तो नहीं सकते ना, पेड़ टूट जाएंगे, नीचे कूद जाएंगे तो ऐसे। हाँ तू कूद के बता, ऐसे कूद जाएंगे तो ऐसे नहीं कूद नहीं सकते यार भाई, नीचे लग जाए कट जाएगी। रुक जा भाई, रुक जा आराम से। अरे इसको ना यहाँ पर बीच में रख, छोड़ दे। तो भाई ये टूटेगा तो नहीं, इसको यहाँ पर रख दिए, इसके रस्से आने के फिर नीचे उतरेंगे यार। हमारा दिमाग देखिए एक बार, बहुत ही एक से चलता है। तो गाइस अभी हमारे दिनेश भाई है जो टंकी के अंदर उतर चुके हैं, वो साइड में हो जाओ, सभी अंदर गिर गए ना। तो ये देखो दिनेश भाई अंदर का व्यू बताओ एक बार, लो ये लो कैमरा। ये देखो दोस्तों अंदर से कुछ ऐसी आवाज गूंज रही है, मुझे खुद की अपनी बोली हुई बोली समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये देखो बिल्कुल अकेला हूँ दोस्तों, अंदर बिल्कुल अकेला हूँ। ये लो भाई, ये देखो भाई वापस कैमरा, और लो भाई कैमरा पकड़ो, मैं अंदर जा रहा हूँ। जय बालाजी महाराज की। मुझे कैच करने के लिए तैयार है ना दिनेश भाई। बच्चों साइड में हो जाओ यार, गिर जाओगे अंदर। मैं भी अंदर आ चुका हूँ, और भाई अंदर टंकी का हाल देख सकते हो एक हमारी, बहुत ही खतरनाक भाई, थोड़ा बहुत खतरा तो है। ये सही है हमारे टंकी का। खूबिया टंकी हमारी, खूबिया टंकी। ये देखो भाई, हाँ क्या है क्या है, पत्थर है। मेरा चाचा कौन है, इनके है। दोस्तों देखो इनको, देखो कैसे बदबू। अरे भाई मेरे ऊपर आ रहा है पानी, देखो साले। को दोनों को लपीटरों को पूरे पूरे नहा लिए, देखो अड़ा। हाँ तो दोस्तों अभी देखो थोड़ा सा ये नीचे गंदा पानी रहा है, और बाल्टियों के द्वारा हम ऊपर देने वाले हैं अपने भाई लोगों को, बिल्कुल टंकी के अंदर चैलेंज। तो भाई हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, कैसे करेंगे टाइम पास, देख रहे हो आप। ये दो छेद हैं, देख लो ये दो छेद हैं, इनके पास में हम टाइम पास करेंगे। टाइम पास करने वाले हैं दोस्तों, या तो फटाफट से इस पानी को ऊपर देते हैं, बाहर निकालते हैं पूरे पानी को। अरे गुरु तू जानता नहीं है इसको, बंदर खाली कर नहीं, खाली कर बैठा। तो दोस्तों देखो बाल्टी बाल्टी गंदा पानी निकाल रहे हैं, छोटा बच्चा निकाल रहा है बाहर पानी को, देखो
पटक दे पूरी टंकी खाली होगी। देखो